प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, क्या क्या कहीं फेल्योर रही है सरकार की, पता नहीं चल पाया आपको? मैं जवाब लेता हूं प्रेम शुक्ला जी से। जी विशाल जी, मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया, कोई बीच में नहीं, मैं मेरा सवाल ये है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चूक हुई है, आप लोग को पता नहीं चल पाया? देखिए, जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 80% कमी आई है। जो हर जुमे के दिन पथराव करते थे आईसीस के लोग, पूरी तरह से बंद हो गया है। और उड़ी में अगर हमला हुआ तो हमने घुस के मारा है। हमने आतंकवादियों को समर्थन करने वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अकाउंट सीज करके उनके लोगों को जेल में डाल दिया है। वहां अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड कोई वर्कर शेष नहीं बचा है। इसके बावजूद एकाध कोई छिटपुट घटना अगर हो रही है तो भी हम बंद कराएंगे, ये हमारा संकल्प है। लेकिन कृपा करके जो प्रश्न आपका है उसका उत्तर सामने से नहीं आया कि बलिदान हेमंत करकरे का बलिदान जो हुआ, उस बलिदान का अपमान हिंदू आतंकवाद कहकर सोनिया मायनो की पार्टी के तमाम नेता मंत्री उनके जिम्मेदार पदाधिकारी क्यों कर रहे हैं? प्रेम जी देखिए, मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी नेता के लिए नहीं, देखिए आप लोग सही शब्दों का प्रयोग करें। सोनिया मायनो उनका नाम नहीं है, क्या गलत शब्द है भाई? ये आपत्ति विशाल जी, क्या गलत शब्द है? सोनिया मायनो उनका नाम नहीं है, सीनियर स्पोर्ट्समैन है। सोनिया मायनो उनका नाम नहीं है, प्रधानमंत्री जी आपके अध्यक्ष, क्या गलत बात कर रहे हैं? सोनिया मायनो उनका नाम नहीं है। ये देखिए, मैं कहूंगा आप लोग मुद्दों पर क्या गलत बात करते हैं? जी न्यूज इस तरह की ओछी हरकत करता है? जी न्यूज की ओछी हरकत है, जी न्यूज की बेईमानी है, प्रेम शुक्ला जी, जी न्यूज की बेईमानी है, प्रेम शुक्ला जी आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मुद्दों पर रहिए प्रेम शुक्ला जी, मुद्दों पर बातचीत करिए। खैर चलिए हमारे साथ डिक्शनरी में, मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। नहीं प्रेम शुक्ला जी, जो सवाल कहां की गलत भाषा है? प्रेम शुक्ला जी मुद्दों पर बात करिए। खैर चलिए, नीलोफर मसूद जी हमारे साथ जुड़े। नीलोफर मसूद जी आपके नेता ये क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए? पाकिस्तान से बातचीत क्यों? देखिए, वाजपेयी जी नहीं कहा था, जब वो हमारे प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ही कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं तो अपने हमसाया जो है वो नहीं बदल सकते। तो उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाकर हम वही कहते हैं जो वाजपेयी जी ने कहा। जब उनकी बात किसी को बुरी नहीं लगती तो हमारी क्यों लग रही है? जब 370 को हटा दिया गया 5 अगस्त 2019 को, आपको याद होगा, माननीय अमित शाह जी ने हमसे क्या कहा? उन्होंने ये वादा किया कि आगे जो है, जो ये मारदाड़ है, आप आगे देखेंगे नहीं। आज हमने एक जवान आए अपना, जो जवान एमपी से था विकी पहाड़ी, उसको हमने खो दिया है। 5 हमारे जवान जो है वो जख्मी है। उससे पहले आप देख लीजिए टारगेट किलिंग, जो 16 साल तक बिल्कुल साइलेंट मोड पर थी, हमने यहाँ पर टारगेट किलिंग्स देखी। हमसे ये कहा गया कि 370 जो है ये इम्पेडिमेंट क्रिएट करता है मिलिटेंसी को खत्म करने में। तो आप बता दीजिए, अगर इम्पेडिमेंट क्रिएट कर रहा था, देखिए देखिए नीलोफर मसूद जी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत क्यों कर रहे हैं? क्यों आखिरकार? वो पाकिस्तान जो आतंकवादी हमलों में शामिल रहता है, वो पाकिस्तान जो आतंक को लगातार शह देता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, उससे बातचीत क्यों? देखिए, जब हम दाऊतू पर वहां जा सकते हैं, जब हम चाइना से बात कर सकते हैं, जब ट्रैक 2 पर बातें हो रही है, तो उनसे बात करने में क्या हर्ज? चलिए वाजपेयी जी, एके वाजपेयी जी आखिरकार ही जो पॉलिसी है उसको आगे बढ़ा, एके वाजपेयी जी आखिरकार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इतने पाकिस्तान के हिमायती क्यों दिख रहे हैं? वाजपेयी साहब, पीस चाहिए, कॉन्स्टेंट पीस चाहिए, जवान वही। देखिए पांडे जी, आप शहीद हो गया होगा। वाजपेयी जी देखिए पांडे जी, ऐसा है कि राष्ट्रवाद का विषय जो होता है और आतंकवाद का जो विषय होता है वो बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं ये हर बात को शक छुपा करती हैं। मतलब आतंकवाद कितनी गहरी समस्या है, उसको जम्मू एंड कश्मीर में कितने इत्मीनान से, कितने तरीके से उसको नीलोफर जी वाजपेयी जी की बारी है। जी
देखिए देखिए देखिए, कश्मीर में जहां तक सवाल है, पत्थरबाजी बंद हुई, 0% आ गई है पत्थरबाजी, आतंकी घटनाएं इसी सरकार ने कंट्रोल। अरे यार हम सब जानते हैं, हम क्या नहीं जानते इस कश्मीर के बातें में, आपको मालूम ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है। हमारी पार्टी भी कश्मीर में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और मैं कश्मीर का इंचार्ज रहा हूँ 1990 से बकायदा इंचार्ज हूँ अपनी पॉलिटिकल पार्टी के। एक एक घर में जाके मैंने कश्मीर में मिला हूँ लोगों से, और कश्मीर देखिए सवाल ये नहीं है। देखिए देखिए आप बीच देखिए, मैं चाहूंगा नीलोफर जी बीच में नहीं, नीलोफर जी बीच में नहीं, एक एक कर आप लोग अपनी बात रखेंगे तो सबकी बात सामने आ पाएगी। एक बार मैं फिर से प्रेम शुक्ला जी और रविंद्र शर्मा जी को डिबेट का हिस्सा बनाता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं, आखिरकार इनका इतना पाकिस्तान प्रेम क्यों जाग जाता है, क्यों ये बार बार पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं? देखिए विशाल जी, कांग्रेस के तमाम नेताओं का, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद तो पाकिस्तान की मदद मांगने चले गए, फवाद चौधरी जो है श्रीमान राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं, इसी तरह से पीडीपी जो एक बना था गुपकार अलायंस लगातार पाकिस्तान के समर्थन में बातें करता रहता है, इसी तरह से जो इंडी अलायंस के तमाम नेता जो है कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडी अलायंस का पाकिस्तान का प्रेम जो है वो हमेशा, जैसे बराक ओबामा ने जो पुस्तक में लिखा ना कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते जो है 26/11 की घटना के बाद कराची के कमांड सेंटर पर हमला नहीं किया गया, तो जो मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक की जो लालच है, वो लालच पीडीपी को भी है, वो फारूक अब्दुल्ला को भी है, वो लालच कांग्रेस को भी है, वो लालच टीएमसी को भी है, वो आम आदमी पार्टी को भी है, वो समाजवादी पार्टी को भी है, वो आरजेडी को भी है, पप्पू यादव भी उसी लालच में है पूर्णिया में। तो इस देश में एक बड़ा वर्ग जो है पाकिस्तान को मुसलमानों का आदर्श मानता है और वो समझता है कि पाकिस्तान जो है वो इस देश के मुस्लिम वोट बैंक की चाबी रखता है, वो इस कारण जो है इस देश के मुसलमानों को भी वो एक तरह से आरोपी के पिंजरे में खड़ा करते हैं। इस देश का मुसलमान ऐसा है नहीं, लेकिन राजनीतिक दल इस देश के मुसलमानों को भी हमेशा संदेह के दायरे में खड़ा करने का काम करते हैं। जवाब लेता हूं रविंद्र शर्मा जी से। रविंद्र शर्मा जी, क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते पाकिस्तान का राग अलापा जा रहा है, और क्या आप भी फारूक अब्दुल्ला के बयान का समर्थन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए पांडे जी, आपका बहुत बढ़िया सवाल है, जवाब भी थोड़ा बढ़िया दीजिएगा, घुमा के नहीं सर दीजिए पड़े। लेकिन एक बढ़िया रिक्वेस्ट आपसे ये कर रहा हूँ कि शुक्ला जी और आप ये जरूर पूछिए किसी से कि ये आतंकवादी हमले इतने बढ़ क्यों गए, सेना के जवान बचाने हैं कि नहीं बचाने? फारूक अब्दुल्ला साहब के कहने से हमले नहीं हुआ रहे, अगर उनका अपना एक राय है तो उनकी राय हो सकती है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तय करना है, फॉरेन पॉलिसी को तय करना है कि कब बातचीत करनी है, करनी या नहीं करनी है। रविंद्र जी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का व्यू मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछूंगा, उनकी पार्टी सत्ता में है, लेकिन मैं फिलहाल, रविंद्र जी देखिए, आपने शुरुआत में कहा, मैं आपकी पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपकी पार्टी का भी कोई स्टैंड होगा, आप एक राष्ट्रीय पार्टी है। सुनिए, हमारा स्टैंड यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तय करना है, ये फॉरेन पॉलिसी की बात है। लेकिन वो तो जब सत्ता में आए थे वो कहते थे 56 इंच का सीना दिखाएंगे और टैक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, फिर प्रधानमंत्री जी पे भी वो रूल लगता है कि नहीं लगता, जब वो बगैर बताए लाहौर पहुंच गए, शादी भी की, छाले भी बांटी, बिरयानी भी खाई, उनके लिए कोई असूल, कोई कानून, कोई सवाल नहीं पूछेगा, हमारे के लिए तो सवाल पूछते हैं, कोई बात करे तो सवाल आ जाता है। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, आपके साथ है, वो आपके साथ है, इसलिए आपके पूछा जा रहा है। खैर चलिए, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहले स्टैंड ले लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। एक सेकंड।